नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। बिहार में किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी किसानों को खेती को ध्यान में रखते हुए कई तरह के लाभ देती रही है, जिसमें साथ साथ अनुदान के रूप में राशि भी मुहैया कराती है। साथ ही साथ किसानों को सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है। ऐसे में अब सरकार किसानों को अनाज उत्पादन के साथ साथ उसको सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग की तरफ से विशेष पहल की गई है। बता दें कि अनाज भंडारण की क्षमता को लेकर सरकार 5 से 9 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। बता दें कि सरकार यह राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और हरित क्रांति उप योजना के तहत दी जाएगी। अगर आप इस योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो सरकार ने यह बताया है कि पहले आओ और पहले पाओ के तहत आपको जो है इस योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है। सरकार किसानों के साथ साथ किसानों के लिए काम करने वाले संगठनों को भी यह अनुदान के रूप में लाभ पहुंचाती है। इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि इसमें भी आरक्षण प्रावधान लागू होगा। SC ST और महिला किसानों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को बाकी अनुदान के तहत ही उसे भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसको लेकर अभ्यर्थी या फिर आवेदक को शपथ पत्र भी भरना होगा। अनुदान को लेकर यह भी कहा गया है कि सामान्य जाति के किसान को 5 लाख या फिर लागत मूल्य से 50% का अनुदान मिल सकता है, जबकि अनुसूचित जाति के किसानों को 9 लाख या फिर लागत मूल्य का 75% अनुदान मिल सकता है। यह भी बताया गया है कि अनुदान की राशि देने से पहले पूरी पारदर्शिता के साथ स्थलीय जांच की जाएगी, जिससे कि यह पता चल सके कि अनाज का भंडारण सिर्फ कागजों पर ही तो नहीं हो रहा है। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। प्रमंडलीय आयुक्त सचिव को 10%, DAO को 20%, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को 50% एवं PAO को 100% स्थलीय सत्यापन करना होगा। यानी कि इन अधिकारियों को है जो कि जांच करनी होगी कि किसानों को जो लोन दिया गया है वो अनाज भंडारण सही तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं। गोदाम बनाने के लिए सरकार की तरफ से जारी राशि के बारे में बताया गया है कि 15,53,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसकी जानकारी और जागरूकता के लिए विभाग के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को शहर से लेकर गांव तक प्रचार प्रसार के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का लाभ किसानों को उसकी निजी ज़मीन पर ही मिलेगा और इसके लिए 154 वर्ग मीटर की ज़रूरत होगी, तभी वो आवेदन कर सकेंगे। यानी कि ये तय है कि जो हमने पहले कहा कि ये जो अनाज भंडारण का काम है ये कागजों पर होने से अच्छा है ज़मीन पर निर्धारित हो, और उसके लिए जो है सरकार ने ज़मीन भी निर्धारित कर दी है कि आपके पास 154 वर्ग मीटर जो है ज़मीन होनी चाहिए। विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस योजना के तहत बाढ़ प्रभावित किसानों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर कृषि विभाग नक्शा भी तैयार करेगा। कृषि विभाग का यह भी मानना है कि बिहार में कृषि गोदाम काफ़ी अभाव है, जबकि उत्पादन क्षमता में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस अनुदान का लाभ राज्य के 30 से 40% किसानों को मिलेगा और अनाज का सुरक्षित भंडारण कर सकेंगे। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि केंद्र सरकार की यह अच्छी योजना है, जिसके तहत बिहार में किसानों को अनाज भंडारण करने का मौका मिलेगा, जिससे कि अनाज खराब ना हो और वो औने पौने दाम में बेच ना सके। किसानों के लिए यह एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।